नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मर्क्यूरी लाइट यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाया अ स्पेक्ट्रोमीटर। वही हमारा एम है और एपरेटस इसके लिए जो हमें ज़रूरी है वो है स्पेक्ट्रोमीटर, मर्क्यूरी वेपर लैम्प, प्रिज्म, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सेट्रा, एंड अ डार्क रूम इज रिक्वायर्ड। अब बात करेंगे हम लोग हमारे लाइट सोर्स की। यहाँ पे हम लोग जो लाइट सोर्स यूज करने वाले हैं वो है हमारा मर्क्यूरी लैम्प। अब मर्क्यूरी लैम्प एक पॉलीक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। पॉलीक्रोमैटिक मतलब मैनी कलर्स। इस मर्क्यूरी लैम्प में ये क्षमता होती है कि वो एक से ज़्यादा कलर्स अपने अंदर रखता है, दैट इज इट इज़ हैविंग मोर देन वन वेवलेंथ। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल्स है जैसे कि सनलाइट है, मून लाइट है, इसीलिए हमें रेनबो दिखता है। तो दैट इज आवर लाइट सोर्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स लैब में ऐसा ही एक दूसरा लाइट सोर्स है जो मोनोक्रोमैटिक कहा जाता है, विच इज द सोडियम लैम्प। लेकिन फिलहाल हम उसकी बात यहां पर नहीं करेंगे। लेट अस मूव फर्दर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट द स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना है, जिससे हमें रीडिंग्स लेनी है। सो सबसे ज़रूरी अपैरेटस, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर कैसे दिखता है देखते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे जो बॉक्स है उसमें हमारा लाइट सोर्स है मर्क्यूरी वेपर लैम्प, उसी के आगे हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है। अब दोस्तों, स्पेक्ट्रोमीटर वैसे बच्चों में काफ़ी बार देखा गया कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट एक्चुअली इट इज़न्ट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर को जानते हैं। एक आसान भाषा में आपको समझाऊं तो स्पेक्ट्रोमीटर के तीन पार्ट्स हैं, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। पार्ट वन इज द कॉलीमेटर, जो सोर्स से सबसे नज़दीक रखा गया है वो है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या काम करता है, आने वाली रेस को वो पैरेलल बनाता है। ओके, पार्ट टू इज द प्रिज्म टेबल, जहाँ पे हम लोग या तो प्रिज्म रख सकते हैं या तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख सकते हैं। उसी के नीचे दो विंडोज़ दी गई है जहाँ से हमें रीडिंग्स लेने हैं। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। एंड द थर्ड पार्ट जो हमारे काम का है, जहाँ से हमें देखना है, दैट इज़ द टेलीस्कोप। सो इन तीन पार्ट्स को अगर आप कंबाइन करें तो आपका स्पेक्ट्रोमीटर बनता है। फाइन, नेक्स्ट अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म इज अ वेरी बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज योर प्रिज्म। तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विथ फाइव फ्लैट सर्फेसिस। जनरली ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने सर्फेसिस हैं। देखने में आसान लगता है लेकिन काफ़ी बार बच्चे इसमें छः सर्फेसिस बता देते हैं हड़बड़ाहट में। सो ये ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ पाँच सर्फेस होती है, जिसमें से दो पॉलिश्ड होती है और वन कैन से रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस, और बाकी की तीन सर्फेसिस रफ होती है। तो प्रिज्म रखने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक सीधी चीज़ याद रखो, लाइट को स्मूथ सरफेस से एंटर करवाओ और स्मूथ सरफेस से एग्जिट करवाओ। तो नेकेड आय से ही आपको एक पोजीशन के ऊपर स्पेक्ट्रम मिलेगा और उसी पोजीशन के ऊपर आप अपना टेलीस्कोप रोटेट करके रख दो। सो व्हेन यू विल सी फ्रॉम द टेलीस्कोप यू विल गेट दिस स्पेक्ट्रम। ओके, आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि स्पिरिट लेवल से सारे अपैरेटस का लेवलिंग चेक करना है और शूस्टर्स मेथड जो फोकसिंग के लिए होता है उसे परफॉर्म करना है। सो एक बार ये सारी चीज़ें हो जाए देन यू आर रेडी टू टेक द रीडिंग्स और परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। क्या होता है ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? सो आप देख सकते हो पहली फिगर में एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फोटोग्राफ है। एक सिंपल सी ग्लास प्लेट दिखती है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस काव की गई है, राइट? सो एन ऑप्टिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ सरफेस रूल्ड विथ क्लोज इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कितनी लाइंस होती है, तो पिक्चर के लेफ्ट में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, 15,000 LPI मतलब लाइंस पर इंच।
इतनी ज़्यादा लाइंस एक इंच पर बनाने के लिए हमें एक शार्प डायमंड पॉइंट की जनरली ज़रूरत होती है। सो इस तरह से जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो एक एन पैरेलल स्लिट का काम करता है। आपने डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट देखा होगा, डबल स्लिट देखा होगा। इसी तरह से जब एन स्लिट्स एक साथ रखी जाती है तब वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करते हैं। अब ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्पेशल क्या है? दोस्तों मैंने पहले बताया था कि प्रिज्म में सिर्फ एक ही ऑर्डर का स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वी गेट मल्टीपल ऑर्डर्स। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि मैंने विंडो से आने वाली सनलाइट को जब सामने से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में देख रहा हूँ तब मुझे वो वाइट लाइट ही दिख रही है, लेकिन जब मैं ये ग्रेटिंग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ तब मुझे एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। सो यही चीज़ हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में टेलीस्कोप में ऑब्जर्व करनी है। तो आगे देखते हैं, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हमें करना है, हमारा लाइट सोर्स, उसके बाद कॉलीमेटर, हमारा ग्रेटिंग, टेलीस्कोप एंड देन यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना है आईपीस। सो हमें दिखेगा क्या? सबसे पहले जो भी इनकमिंग लाइट है हमारी मर्क्यूरी लाइट वो हम लोग एंटर करवाएंगे और उसको बिल्कुल सामने की तरफ से देखेंगे, दैट इज़ जीरोथ ऑर्डर। तब डिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा तो उसके कारण वाइट लाइट हमें वैसे की वैसे ही दिखाई दे रही है, दैट इज इट विल पास थ्रू द गैप बिटवीन द टू लाइंस। तो इसीलिए हमें वो वाइट लाइट ही दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग हमारा टेलीस्कोप का एंगल चेंज करेंगे, लेट्स से टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें पहला स्पेक्ट्रम मिलेगा विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, एन इज इक्वल टू वन। अगेन मूविंग अहेड वी विल गेट द सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। दोनों ही स्पेक्ट्रम में आप अगर कंपेयर करोगे तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा उसकी शार्पनेस कम होती जाएगी, एंड द सेम पिक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइक दिस। सो यही चीज हमें टेलीस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सीधा देखोगे तो वाइट लाइट, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो अलग अलग ऑर्डर के स्पेक्ट्रम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के रीडिंग्स की। हमने कंसेप्ट समझा, हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लिया, लेकिन रीडिंग लिए बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट अधूरा होता है। अभी स्पेक्ट्रोमीटर का सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट मेजर समझेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था हमारे पास दो विंडोज होंगी। मान लो एक विंडो को हम लोग कहते हैं विंडो ए, दूसरे को कहेंगे विंडो बी। सिंस इट इज अ सर्कल हम देख सकते हैं कि इन दोनों विंडोज के रीडिंग में एग्जैक्टली 180 डिग्रीज का डिफरेंस होगा। तो इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझना है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या तो आप विंडो ए में रीडिंग लो या तो विंडो बी में। ऐसा नहीं करना है कि कुछ रीडिंग्स विंडो ए में लिए, कुछ रीडिंग्स विंडो बी में लिए। और जो भी विंडो में आप रीडिंग लोगे एग्जैक्टली 180 डिफरेंस आपको विंडो बी में मिलेगा। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम का फॉर्मूला हमारे सामने है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब इसको ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। ये आपकी विंडो का जूम इन पिक्चर है। ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हो 0 से 30 वो आपका वर्नियर स्केल है जो फिक्स होता है, और नीचे जो आप देख रहे हो कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे 300 है, 310, 320। सिंस इट इज अ सर्कल 0 से 360 डिग्री के सारे नंबर, सारे एंगल्स यहाँ पर मेन स्केल में होंगे। तो अभी इसको कैसे समझना है? तो हम लोग पहले बात करेंगे वर्नियर स्केल की। वी कैन सी दैट टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 30। उसके बाद मेन स्केल की अगर हम लोग बात करें, मैंने अलग से एक ड्रॉ करके बनवाया है कि जैसे ही आप 300 डिग्री पे फोकस करिए, जो आपको डिवीजन दिख रहा है उसके बाद का नेक्स्ट डिवीजन जो रेड में है वो 301 डिग्री है। मतलब 300 से 301 के बीच में एक ही डिवीजन है जिसका रीडिंग ऑब्वियसली हो गया 300.5 डिग्री। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ दिस स्केल? इट इज 0.5 डिग्रीज। तो ये दो चीजें हमें मिल गई, पहली
वर्नियर स्केल के टोटल डिविजन्स और दूसरी मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिविजन। इन दो चीजों से हमें क्या मिलेगा, हमारा LCM। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 मिनट। अब जैसे ही हम लोग 1 मिनट के बारे में बात करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो ये जो पूरा स्केल है वो डिग्री मिनट सेकेंड्स के उसमें हम लोग मेजर करते हैं। सो दैट्स अवर LCM। उसके बाद रीडिंग कैसे लेंगे, जैसे ही मान लो मैंने वायोलेट लाइट पे मेरा क्रॉस वायर सेट किया हुआ है और वो रीडिंग चल के आ रहा है 300 डिग्री के आसपास। सो मेरा मेन रीडिंग क्या हो गया, 300 डिग्री। और जो आप नीचे देख रहे हो वो हमारे स्पेक्ट्रोमीटर के रीडिंग का फॉर्मूला है। सो योर मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक तो आपका LCM है जो 1 मिनट हमने अभी निकाला, और दूसरा मैचिंग डिवीजन। अब ये मैचिंग डिवीजन क्या होता है, फिगर में आप देख सकते हो कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल इन दोनों में डिवीजन है। अब आपको ये चेक करना है राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन नीचे वाले मेन स्केल डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो सपोज 20th डिवीजन जो कि एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये चीज आपको दिख रही है तो आपका मैचिंग डिवीजन की वैल्यू हो गई 20। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया था मेन रीडिंग आपको दिख रहा है 300 डिग्री प्लस 1 मिनट इंटू 20, सो दैट विल गिव अस 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 0.33 डिग्रीज। सो आपका ओवरऑल रीडिंग होगा 300.33 डिग्रीज। दोस्तों ये प्रोसेस को अच्छे से समझना, क्योंकि स्पेक्ट्रम लाना जैसे बच्चों को एक मिशन लगता है, एक टास्क लगता है, वैसे ही स्पेक्ट्रोमीटर के रीडिंग्स अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से समझना, ये भी अक्सर बच्चों में एक टास्क देखा गया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली। सो एक बार ये रीडिंग लेना आपको आ गया, फिर चाहे आप क्रॉस वायर वायोलेट पे सेट करो, ग्रीन पे सेट करो, ऑर्डर 1 पे सेट करो, ऑर्डर 2 पे सेट करो, प्रोसीजर इज द सेम। सो आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगा, ऑर्डर 1 के लिए 3 कलर्स मान लो, ऑर्डर 2 के लिए 3 कलर्स मान लो, दोनों के राइट हैंड साइड के रीडिंग्स, लेफ्ट हैंड साइड के रीडिंग्स, दोनों का डिफरेंस, एंड देन साइन थीटा, एंड देन फाइनली अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा, दैट इज द वेवलेंथ। सो क्या होगा, दोनों ही वेवलेंथ, दोनों ही ऑर्डर्स के लिए आपको मर्क्यूरी लाइट के वेवलेंथ मिल जाएगी। सो आई होप ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई थैंक HVHP इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च कड़ी फॉर प्रोवाइडिंग द लैब सेटअप एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।